बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एविश अजीज और आप देख रहे हैं आयशा अजीज किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेड स्टैक्स की रेसिपी लेकर आई हूं। चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने ले लेना एक खूबसूरत सा पैन और फिर इसके अंदर हमें ब्रेड को इस तरह से क्रिस्पी कर लेना है, यानी कि बगैर ऑयल और बगैर घी वगैरह के हमें इसको बस इस तरह से ब्राउन ब्राउन कर लेना, क्रिस्पी कर लेना, ठीक है, दोनों तरफ से। तो इस तरह से हमें चार ब्रेड लगेंगे और चारों ब्रेड को हमने बहुत अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। तो गाइज़, ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है और ये बच्चों बड़ों को तो बहुत ही पसंद आती है और मज़ेदार लगती है, तो सोचें खाने में कितनी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये आप चाहें टी टाइम में आप ये स्नैक्स बना सकते हो और बच्चों को लंच में रख के दे सकते हो, मॉर्निंग में आप ये बना के खा सकते हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो इस तरह से हमने जो ब्रेड लेनी है उसके हमने एक ब्रेड के हमें तीन पीस कर लेना है, ठीक है। फिर इसके हमें क्यूब्स बना लेना है। तो इस तरह से हम ये सारे ब्रेड के क्यूब्स बना लेते हैं। तो गाइस, चैनल भी अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके की मैं आपके लिए आसान आसान और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम समय में बनने वाली रेसिपीज लेकर आती रहती हूँ। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर देना, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, में एक हमने खूबसूरत सा जार ले लेना, उसमें हमने एक बड़ा साइज़ का टमाटर जो हमने छोटा छोटा काट के इसके अंदर डाल देना है, और हमने 1-2 टीस्पून इसके अंदर नमक डाला है, 1-2 टीस्पून हमने पिसी लाल मिर्च, ऐसी 1/4 टीस्पून हमने हल्दी और 1-2 टीस्पून हमने कुटा धनिया इसमें डाला है, चंद लहसुन की जो भी डाली है, एक हमने अदरक का टुकड़ा डाला है और 2 चम्मच हमने इसके अंदर दही शामिल करा है। और अब हमें इसे अच्छे से पीस लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस, यहाँ पर हमने खूबसूरत सा पैन ले लिया, उसके अंदर हमने 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऑयल डाला और 2 चम्मच हमने इसके अंदर प्याज जो बारीक कटा हुआ हमारा वो हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको बहुत अच्छे से सौते कर लेंगे प्याज को, ठीक है। तो प्याज को हम सौते होने देते हैं। फिर इसके बाद हमने जो हमने तैयार करा है टमाटर पीसे हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यार से मिक्स करके इसको भून लेंगे कि ये इसका जो कच्चे मसाले वगैरह वो कच्चे नहीं रहे, वो भी अच्छे से भून जाए और ये इस तरह से बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है। तो इसको ज़्यादा थिक भी नहीं करना लेकिन थोड़ा थिक रखना है और बिल्कुल एकदम पतला भी नहीं करना इसको। तो इस तरह से ये बिल्कुल तैयार कर लेना। और अब जो हमने ये ब्रेड के क्यूब्स काटे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी कोई भी आने वाली रेसिपी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस तरह से हमने ये सारे ब्रेड को इसके अंदर मिक्स कर लिया। तो ये देखिए, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया काट के डाल दिया है, तो ये और ज़्यादा माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार बहुत ही आसान सी रेसिपी है। उम्मीद करते हैं आपको ये खूबसूरत सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को भर भर के सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें और एक खूबसूरत सा कॉमेंट लाजमी किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।